सभी का स्वागत है आपके चैनल एके बी एकेडमी में। साथ ही आप सभी बता किस पीआरटी के हम लगातार इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू में जो भी चेंजिंग आ रही है आपको उससे अवगत कराने हैं, तो हमारे साथ में मैम ही मैम से बात करेंगे। सबसे पहले मैम आपका सुनना। मेरा नेम है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी? दीपिका। तो मैम कहाँ से आए आप? मैं आई हूँ कानपुर उत्तर प्रदेश से। कानपुर देहात से? कानपुर उत्तर प्रदेश से, कानपुर नगर। नगर? नगर। तो मैम ये बताइए, आप इंटरव्यू में जब आपकी एंट्री किस टाइम हुई थी यहाँ पे? मेरी एंट्री यहाँ पे सुबह हुई थी, मॉर्निंग में 8:30 बजे के आसपास। 8:30 बजे? तो 8:30 से 3 बजे, तो इतना समय लगा इंटरव्यू में यहाँ पे? हाँ, बिकॉज पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें टाइम लग रहा है। वो आपके एक एक डॉक्यूमेंट्स और मार्कशीट नंबर, सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर सब कुछ मैच कर रहे हैं। तो उसमें जो इशू आ रहा है यहाँ पे कि ओबीसी कैटेगरी में जो सेंट्रल या स्टेट का, वो क्या मैटर है कुछ? हाँ, ओबीसी में जैसे सेंट्रल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, उनके पास सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। एससी एसटी है अगर आप, अगर आपके पास स्टेट का है तो चलेगा, मतलब हाँ सेंट्रल नहीं भी होगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट ओबीसी कैंडिडेट के लिए सेंट्रल मैंडेटरी है। मैम ये बताइए, इंटरव्यू में जब स्टार्टिंग हुई तो इंटरव्यू में स्टार्टिंग से फिनिशिंग के बारे में बताइए। स्टार्टिंग में कुछ नहीं, वो आपको जस्ट ब्रीफ इंट्रो देने के लिए कहेंगे कि आप अपना ब्रीफ इंट्रो दीजिए, बट हमारे पैनल में तो उन्होंने बोला था ब्रीफ इंट्रो इंग्लिश में ही। जितने भी कैंडिडेट्स थे मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि ब्रीफ इंट्रो इंग्लिश में देने के लिए बोला था। उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो और आपको पढ़ाना भी है तो आप क्लास में कैसे पढ़ाओगे, कोई बच्चा क्लास में बहुत शैतानी करता है तो उसको कैसे टैकल करोगे। सर मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बिकॉज सर मैं ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय पीआरटी कॉन्ट्रैक्चुअल में पढ़ा चुकी हूँ, तो मुझसे सिचुएशनल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। मतलब उन्होंने एनईपी के बारे में मुझसे थोड़ा, और एफएलएन में क्या पूछा मैम? एनईपी में पूछा कि पुरानी पॉलिसी और अभी में क्या चेंजेस आए, वही 5+3+3+4 में क्या चेंजेस है, बाल वाटिका जो है उसमें क्या चेंजेस आए। नहीं नहीं, आरटी के बारे में कुछ नहीं, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं, आपके बायोडाटा से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे। जो भी जो आपने फिल किया, जो आपकी हॉबी है और जो आपका स्पेशल अचीवमेंट है उस पर बेस्ड ही मैक्सिमम क्वेश्चन। समय चला आपको इंटरव्यू में? 15 मिनट लगभग। डेमो टीचिंग में? सर टोटल मिला के 15 मिनट लगभग, 15 से। हाँ, मॉर्निंग में जो भी बच्चे आ रहे थे, कैंडिडेट आ रहे थे, उनको 20 मिनट 25 मिनट, लास्ट में ये समय कम होता जा रहा है। हाँ सर मे भी, बट हाँ हो सकता है, बट हमारा तो 15 मिनट ही, मैंने देखा मेरा टाइम तो लगभग 15 मिनट था। मैम पीआरटी में पेपर में कितना स्कोर था आपका? सर मेरा था 130 पॉइंट समथिंग था। 130 पॉइंट समथिंग? हाँ 130 पॉइंट समथिंग। ओबीसी कैटेगरी? एससी। हाँ फिर तो ठीक है, कम से कम 10 नंबर फालतू आपका हो जाएगा। तो धन्यवाद मैम, गुड लक। तो आपने देखा कि मैम ने क्या बताया कि मैम पहले ही केवीएस पीआरटी में पढ़ा रही है, तो उसका इन्हें फायदा मिला। और जैसे ही मैम ने क्वेश्चन बताया कि अपने बारे में जो भी आप अपने हॉबी जो भी बताएंगे वो उनमें से क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो ठीक है साथियों, उन चीज़ों विशेष का ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा नाम आशीष कुमार है। जी आशीष कुमार। तो सर आशीष सर आप कहाँ से आए सर? सर हम औरैया से आए। जी औरैया? औरैया। धारा क्या एक दिन पहले स्टे करा था? हम डायरेक्ट एक दिन पहले स्टे किया। हाँ कई बार सब एक दिन पहले ही आ रहे हैं, और आपसे भी बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे दूर गए हैं, जो कनेक्ट दूर गए हैं, वो एक दिन पहले आके स्टे करें जिससे उनका माइंड सही हो जाए। तो सर ये बताइए, सबसे पहले इंटरव्यू में आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? कुछ नहीं, सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सब्जेक्ट हैं तो क्या पूछा गया आपका? जो ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट है? हाँ ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है। आपके क्या सब्जेक्ट है? मेरी बायोलॉजी से थी, तो बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे। तो क्या क्या पूछा बायोलॉजी से? बायोलॉजी से भाई कौन जनक हैं ये वो, और के बारे में। हाँ अच्छा, और कुछ नहीं, फिर डेमो दे दिया दिखाने। डेमो? डेमो में क्या दिया? डेमो में वो अपने आप से किताब उठा के, किताब में क्या था? हिंदी की किताब थी, कोई एक पोएम थी जी, उसको पढ़ाने के लिए बोला था। पोएम पढ़ाने के लिए जी? तो क्या पढ़ाया था आपने? हमसे सब कहते एक पोएम है क्लास थर्ड की। जी हमसे सब कहते एक पोएम है क्लास। अच्छा अच्छा, तो जब आपने पढ़ाया था तो बच्चे भी तो रिएक्ट कर रहे थे या डेंजर फिर से देख रहे थे आप? नहीं सारे लोग सपोर्टिव हैं, अच्छे से बोल रहे थे। अच्छा, और अगर अटक भी रहे थे तो वो लोग इसको अच्छा। बोल रहे थे कि बहुत अच्छे पढ़ाते थे। और कोई क्वेश्चन पूछा हुआ होगा आपसे? क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन बस ये हमसे मेरा एनईपी के बारे में पूछा? नहीं, इन सब के बारे में नहीं पूछा, वो ज़्यादातर सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहा है। सब्जेक्ट जो बच्चे इनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है ना, अपने सब्जेक्ट पर कमांड जो होनी चाहिए। हाँ जो पैनल है हमारा, वो ज़्यादातर हमारा पैनल सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहा है बस। अच्छा अच्छा, और सब्जेक्ट और डेमो पर। अच्छा, डेमो में कैसा लगा आपको? डेमो अच्छा था, एक पोएम सुनानी थी तो हमने वो गा के सुना दी। बस किसी को तैयारी करी थी या किस चैनल से, या सेल्फ था? नहीं सेल्फ ही था सब, कोई तैयारी नहीं थी। इस टाइम जॉब में हो या पहली जॉब है आपने? पहला इंटरव्यू ही है। पहला इंटरव्यू? तो आपका क्या स्कोर क्या था पेपर में का? 133।
133। कौन सी कैटेगरी? SC। चांस आपका 90% आपका हो जाएगा। तो फाइनल कैसे फील कर रहे हो ये बताइए? अच्छी आवाज में, तेज आवाज में। अच्छा गया इंटरव्यू बस। तो आशा करेंगे सर आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू सर का इंटरव्यू अच्छा और आशा करेंगे कि हम भी सिलेक्शन हो। और देखो जो भी करीबन हर सर जो भी आपको ये बता रहे कि अपना ग्रेजुएशन जो भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से आना, और जैसे ही अलग अलग चेंज होता रहेंगे आपको चैनल से माध्यम से आपको बताते रहेंगे। सब्सक्राइब जो करना आपके लिए दो कहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो ठीक है साथियों, जय हिंद।